आज मैं आपको इस प्रकार का जो स्विच है इसकी वायरिंग में आपको कूलर की जो मेन मोटर होती है उसके साथ यहाँ पे लाइव करके बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इस स्विच से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ में आप उसको बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेन सप्लाई वायर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारे पास कूलर की मोटर है जिसमें टोटल 4 वायर है और एक हमारे पास स्विच है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस स्विच पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक साइड में यहाँ पे L लिखा है और यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। और यहाँ पे आपको मैं बता लूँ कि इस प्रकार का जो स्विच है वो कई सारे बटन के अंदर आते हैं, बस ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अलग प्रकार का होता है, परंतु जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो एक ही प्रकार का होता है। अब इस स्विच के अंदर हमें इन तार के कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस स्विच को हमें ध्यान से देखना होता है और यहाँ पे इन वायर को समझना होता है। तो यहाँ पे आप जो ब्लू वायर देख सकते हैं ये मेन वायर होता है और बाकी जो 3 वायर होते हैं वो यहाँ पे कूलर की स्पीड के वायर है। सबसे कम स्पीड का लाल और जो मीडियम स्पीड होता है वो होता है सफ़ेद और जो सबसे हाई स्पीड का जो वायर होता है वो होता है काला। तो ये 3 वायर स्पीड के होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्विच है जहाँ पर L लिखा है वहाँ पे आपको कोई वायर नहीं लगाना है। जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे लाल, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे सफ़ेद और जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे काला वायर लगाना है। ये स्पीड के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास जो रहता है वो बस यहाँ पे इस वायर के अंदर ब्लू वायर रहता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो वायरिंग है इसको आपने यदि कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आपके पास जो सप्लाई वायर है उस सप्लाई वायर का जो लाल वायर आपको लेना है जो कि यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लाल वायर को यहाँ पे जहाँ भी L लिखा है स्विच पर वहाँ पे आपको ऐसे लगा लेना है। और इसके बाद यदि आपके पास जो काला सप्लाई वायर रहता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काले कलर का, तो उसको यहाँ पे आपको ब्लू वायर से आपको ऐसे लगा के इस पर आपको टैप लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो बटन है इसकी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप अपना जो स्विच है इसको चालू करके देख सकते हैं। सावधानी से आपको चालू करना है और फिर आप अपने कूलर को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।